भारत और इंग्लैंड के बीच आज T20 सीरीज का पहला मैच मैनचेस्टर में खेला जाएगा। पहला मैच टीम इंडिया किसी भी हालत में जीतकर अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी और इसीलिए पहले T20 मैच में विराट कोहली बड़े प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और पहले मैच के लिए परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन कप्तान कोहली ने बना लिया है। आज के मैच की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में विराट कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। रोहित शर्मा और शिखर धवन ही आज के मैच में टीम इंडिया के लिए ओपन करेंगे। दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में हैं और इनसे सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। तीसरे नंबर पर लेकिन चौंकाने वाला बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर सुरेश रैना नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर KL राहुल को तीसरे नंबर पर खिलाया जाएगा। राहुल लगातार दमदार खेल दिखा रहे हैं और ऐसे में राहुल को नकारा नहीं जा सकता, इसीलिए राहुल को तीसरे नंबर पर मौका दिया जा रहा है। चौथे नंबर पर खुद कप्तान विराट कोहली खेलने आएंगे। विराट को आज के मैच में अपनी लय हासिल करनी ही होगी क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में वो सस्ते में आउट हो गए थे। पांचवे नंबर पर द ग्रेट धोनी आएंगे। धोनी के लिए विराट ने पांचवा नंबर करीब करीब फिक्स कर लिया है और वर्ल्ड कप तक धोनी अब पांचवे नंबर पर ही खेलेंगे। अब बात करें छठे नंबर की तो यहाँ पर भी बदलाव होगा। मनीष पांडे को आज के मैच से बाहर किया जा रहा है और सुरेश रैना यहाँ पर यानी कि छठे नंबर पर खेलेंगे। सुरेश रैना को निचले क्रम पर खिलाया जाएगा क्योंकि राहुल को टीम में जगह देनी है और रैना आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने में माहिर है। वैसे भी रैना ने लंबे समय तक छठे नंबर पर बल्लेबाजी की है तो यहाँ पर रैना काफी अनुभवी है। इसके बाद सातवें नंबर पर आएंगे हार्दिक पांड्या जो आते ही बड़े छक्के लगा सकते हैं। अब तो बॉलिंग भी काफी वैरायटी के साथ कर रहे हैं। इसके बाद बात करें गेंदबाजों की तो तेज गेंदबाजी में भी बदलाव होगा। भुवनेश्वर कुमार का खेलना पक्का है और इंग्लिश कंडीशन में भुवी बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। भुवी का साथ देंगे उमेश यादव। हालांकि सिद्धार्थ कौल भी टीम में मौजूद हैं लेकिन विराट कोहली को फिलहाल उमेश पर ज्यादा भरोसा है क्योंकि उमेश यादव ने IPL में कमाल करके दिखाया था। इसके बाद दो रिस स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल खेलेंगे। ये दोनों ही स्पिनर इंग्लिश बल्लेबाजों की खासी परीक्षा लेने वाले हैं। तो ये है आज के मैच में भारतीय टीम प्लेइंग 11 जो करीब करीब परफेक्ट है और इस टीम को हरा पाना अंग्रेजों के लिए काफी मुश्किल होगा। आपकी क्या राय है, कैसी है ये टीम, जरूर राय दें कमेंट करके। मीडिया रिपोर्ट।